नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, ये जो गुलदाउदी का सीजन है, ये देखिए सारे जो गुलदाउदी है इसमें कलियाँ आ गई है। एक एक टहनी में 5, 6, 8, 10 करके आपको देखिए कलियाँ आ गई है। इसमें भी काफ़ी सारी कलियाँ आ गई है। कुछ कुछ कलियाँ जो है बास्ट करना शुरू की है और कुछ कुछ कलियाँ क्या जो फूल खिलना भी लग गया है, इस तरह से देखिए। लेकिन क्या होता है कोई कोई टाइम कि काफ़ी सारे जो प्लांट है इसमें कलियाँ आती नहीं है। ये देखिए इसमें कलियाँ नहीं आई है, इसमें भी कलियाँ नहीं है, अभी शुरू हुई इसमें भी कलियाँ नहीं आई है। ज़्यादातर में ये जो सीजन है इसमें आपको कलियाँ आ जाएगी। लेकिन अगर कलियाँ नहीं आती है तो दो चीज़ आप काम कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी, इसका जो टॉप पोर्शन है ये मोटा हो जाता है कभी कभी। देखिए ये देखिए मोटा हो जाता है। मोटा अगर हो गया है, आपको चाहिए पतला सा। जितना पतला होगा आपका उतनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी। जितना मोटा हो जाएगा आपका ब्रांचिंग कम होगी। अगर आप देख रहे हैं कि आपका ये मोटा हो रहा है, तब आपको क्या करना है, एक काम करना है, इसको जो है फिर से पिंचिंग कर देनी है। इस तरह से देखिए पिंचिंग कर देंगे, इसको पिंचिंग कर देंगे। पिंचिंग करने से क्या होगा, यहाँ से नए ब्रांचेस आएंगे और जब नए ब्रांचेस आएंगे वो पतले ब्रांचेस आएंगे। जितने पतले ब्रांचेस होंगे, देखिए इसमें थोड़ी थोड़ी करके कलियाँ आ गई है देखिए। दूसरा क्या होता है, टाइम टू टाइम आपको धूप नहीं आती है तो आपको क्या होता है, आपको घुमाना पड़ेगा बीच बीच में। इस तरह से जब इधर है तो आपको घुमा के इधर ले आइए, इधर 3-4 दिन बाद इस तरह से घुमा दीजिए। सारे जो प्लांट है ना, ये गमले को आप घुमा दीजिए इस तरह से। जितने घुमाएंगे आपको चारों तरफ 360 डिग्री एंगल में आपको धूप मिलनी चाहिए। जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतना अच्छा आपका पौधा खिलेगा। तीसरा जो टिप्स है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको अगर फूल नहीं आ रहा तो दो चीज़ आप डाल सकते हैं। एक जो मैं डाल रहा हूँ यह है बूस्टर, इसका नाम है बूस्टर, आप स्क्रीन में देख सक रहे हैं। इसका डोज मैं दिखा देता हूँ आपको। इसका देना है सिर्फ आपको एक बूंद, एक बूंद, याद रखिए 1 ml नहीं, एक बूंद आपको लेना है 1 लीटर पानी में। इसका डोज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस एक बूंद हो गया, काफ़ी है। ड्रॉपर से ले लीजिए एक बूंद और ये आपको स्प्रे करना है। आप एक बार करेंगे 4-5 दिन बाद और एक बार करेंगे तो आपका जो है पौधे में कलियाँ आएगी आएगी। ये इसका बूस्टर है, आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं। ये आप स्प्रे कर दीजिए, अमेजन में मिल जाती है, फ्लिपकार्ट में मिल जाती है बूस्टर। कोई भी पौधे में फूल नहीं आ रहा तो आप बूस्टर डाल दीजिए तो आपका फूल आना गारंटेड है। अगर बूस्टर नहीं है आपके यहाँ तो आप एक देख सकते हैं, यह है मीराकुलन। ये देख सकते हैं आप 1 ml/L, 1 ml/L मीराकुलन देने से आपको फूल आएगा ही आएगा। आप स्प्रे कर दीजिए ये मीराकुलन 1 ml/L आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ फूड देना है कि मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट कमी है या और कुछ की कमी है, फूल आ रहा है, फूल बास्ट नहीं कर रहा है, कलियाँ आ रही है, कलियाँ खिल नहीं रही है, इस तरह से देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर कलियाँ आ रही है, छोटी छोटी कलियाँ रह जा रही है, थोड़ी थोड़ी कलियाँ रह जा रही है, इसको ये खिल नहीं रही है, तो आपको मैं दो चीज़ दिखाता हूँ। एक है आपको इसमें फॉस्फोरस की कमी हो सकती है या फिर पोटासियम की कमी रह सकती है, तो आपको मैं दिखाता हूँ इस तरह से देखिए। ये पोटासियम सल्फेट है 0050, 0050, 0050 लेके आप 2 g/L ले सकते हैं। ये 1 लीटर पानी है करीब, हम ले रहे हैं 1/2 चम्मच से थोड़ा कम। 2 g/L लेके आप इसे अच्छी तरह से इसको घोल लीजिए। ये इजीली वाटर सोल्यूबल है, इसको आप डाल दीजिए। इसमें क्या सल्फर भी हो जाएगा और पोटासियम भी हो जाएगा, दोनों चीज़ होगी तो आपका जो फूल है गारंटेड आपका आएगा। और उसके बाद भी अगर इसमें फूल नहीं आ रहा है तो आप, हो सकता है कि ये जो कलियां हैं ये बस्ट नहीं करी है, फूल बड़ा नहीं हो रहा, बस्ट नहीं करी। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये है बोरोन, इसका नाम है बोरोन। ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसको आपको लेना है 2 g/L। ये बोरोन है, आपको कोई भी नर्सरी की दुकान में, इसकी दुकान में आपको मिल जाएगा। ये देखिए दूध का जैसा लिक्विड बन जाता है, ये बोरोन का लिक्विड आप मिला दीजिए। कोई भी, ये जो मैं आपको गुलदाउदी के बारे में बता रहा हूँ, कोई भी पौधे में आप डाल सकते हैं।
ये बोरोन आप डालेंगे तो कलिया आएगी आएगी, और कलिया जो है पूरी गोल मटोल बड़ी कलिया बनेगी और फूल भी आपका बड़ा बनेगा। और आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट देना है तो आप एग्रोमिन गोल्ड दे दीजिए 1 या 2 ml पर लीटर, ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अगर आप स्प्रे करेंगे 3 दिन 5 दिन 7 दिन में एक बार स्प्रे करिए, एक पौधे में एक बार, 5 दिन 7 दिन में, शाम की वक्त करिए या फिर सुबह के वक्त कर सकते हैं। ये जो है एग्रोमिन गोल्ड, ये आप स्प्रे करने से आपका पौधा एकदम गारंटेड सारी कलियां भर जाएगी, सारे फूल बनेंगे, बड़े फूल बनेंगे, भर भर का फूल आएंगे। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स मैंने बताई 5-6 टिप्स, तो आपको पौधे बहुत अच्छे रहेंगे। हमारे यहाँ हजारों गमले हैं, सारे में इतनी कलियां आती है, इतने फूल आते हैं। मैं करीब 15 दिन बाद आपका वीडियो अपलोड करूँगा, दिखाऊँगा कितने फूल आते हैं हमारे यहाँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आता लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।